हेलो उमेन एंड जेंटल, वेलकम बैक टू कमेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे कार्य में व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप लोग वीडियो में इन तक बने रहिएगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में जैसे हम बात करने वाले हैं कि नीट का आंसर की तो रिलीज हो चुका है, प्रोविजनल ओएमआर भी आ चुका है। जिन लोगों का आना था, जिन लोगों का नहीं आया उन लोग का भी जल्द ही आ जाएगा या आ चुका होगा। और तो अब जो है सो आंसर की कब आएगा और रिजल्ट कब आएगा? तो देखिए, आंसर की जो है सो फाइनल आंसर की जो है वो प्रोविजनल आंसर की के जारी का जो चैलेंज करने का टाइम है, टाइमिंग खत्म होने के बाद कभी भी जो है सो आपको फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा। और फाइनल आंसर की जारी होने के बाद कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली जो है सो 15 जून के 2 दिन इधर या 2 दिन उधर जो है सो आपका रिजल्ट आ जाएगा। उससे ज़्यादा आगे जाने वाला अब नहीं है, क्योंकि जो पहले एक्सपेक्ट लगाया जा रहा था मणिपुर वगैरह का, तो ये सारा भी चक्कर खत्म हो गया, चूंकि मणिपुर का एग्जाम 6 जून को कंडक्ट हो ही रहा है। तो ये जो है सो, तो आपको मैं बता दूं कि नीट का जो 2023 का रिजल्ट है वो जो है सो आपको 15 जून के आसपास इधर या उधर जो है सो आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैं यही बताने के लिए आया था आपको कि नीट 2023 का रिजल्ट कब आ रहा है। तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।